अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अभिनेता शहीर शेख का शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी 3 ऑफ एयर हुआ है। टीआरपी गिरने की वजह से उनके इस शो पर ताला लग चुका है, जिसकी वजह से उनके फैंस काफी ज्यादा निराश हैं। लेकिन ऐसे में फैंस की निराशा को आशा में बदलने के लिए अभिनेता शहीर शेख अपना एक और नया शो लेकर जल्द ही आ रहे हैं, जिस वजह से अनुपमा सीरियल की गद्दी पर खतरा मंडराने की बात चल रही है, क्योंकि उनका ये शो अनुपमा शो से भी अच्छा होने वाला है, जिसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप अपने इस फेवरेट अभिनेता के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता शाहिर शेख कुछ रंग प्यार के ऐसे भी 3 ऑफ एयर होने के बाद अपने नए शो की पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं, जो जल्द ही टीवी के जाने माने प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ एक नए शो में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि शो में शाहिर लीड रोल प्ले करने वाले हैं। इसी बीच शाहिर के नए शो को लेकर एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि राजन शाही अपने नए शो को फरवरी 2022 में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि शाहिर शेख ने अभी तक शो की शूटिंग शुरू की नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि ये शो एक फैमिली ड्रामा होगा। इस शो को हिट बनाने के लिए बड़ी संख्या में कास्ट का चुनाव किया गया है। इतना ही नहीं, इस शो की कहानी काफी मॉडर्न होगी। खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि शाहिर शेख के साथ इस शो में राकेश बापट भी दिखाई देंगे। राकेश इस शो में शाहिर के बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। वहीं फैंस दावा कर रहे हैं कि राकेश बापट और शाहिर शेख की जोड़ी सीरियल अनुपमा पर भारी पड़ सकती है। हो सकता है कि शाहिर शेख का ये नया शो सीरियल अनुपमा की गद्दी को छीन ले, क्योंकि जिस हिसाब से इस नए शो के लिए नए नए स्टार कास्ट चुने गए हैं और कहानी इंटरेस्टिंग बनाई गई है, उस हिसाब से अनुपमा की टीआरपी गिर सकती है और ये शो आगे निकल सकता है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहिर शेख का ये शो ज्यादा देखा जाएगा अनुपमा के मुकाबले। वेल दोस्तों, आप अपने इस फेवरेट अभिनेता को एक बार फिर से देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।